हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है। आज है सत्यनारायण भगवान जी का दिन यानी कि पूर्णिमा का दिन, और हर पूर्णिमा को हमारे घर पे श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो पंडित जी नहीं आए हैं, जैसे ही पंडित जी आते हैं वैसे ही हमारे घर पर कथा स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आप इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं आपको पूरे सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पूरा पूरा ब्लॉग दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं जब हमारे पंडित जी आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली पता है आज हमारी जो पूर्णिमा की जो कथा थी ना वो एक्चुअली लेट हो गई, क्योंकि पंडित जी अभी तक नहीं आ पाए। क्योंकि पता है एक्चुअली आज ज्येष्ठ की पूर्णिमा हो, तो आप जानते होंगे ज्येष्ठ की पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, भीड़ तो मतलब बहुत बड़ी मानी जाती है, तो हर जगह जगह पर कथाएँ होती हैं। इसलिए आज हमारी जो कथा है वो लेट हो गई। पंडित जी को कॉल किया था तो वो कह रहे थे कि शाम को 7 बजे तक आएंगे। देखिए 7 बजे तक जब वो आएंगे तभी कथा स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं जब पंडित जी आ जाते हैं और कथा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कथा की तैयारी होनी शुरू हो गई है। ये मंदिर में मम्मी सारा सामान निकाल रही हैं, सारा का सारा जो भी है, जो भी मतलब कथा में यूज़ होता है वो सारा सामान। और ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, देखिए ऊपर से दिखाती हूँ मैं अपने घर का छोटा सा मंदिर। ये देखिए, ये है मेरे घर का छोटा सा और प्यारा सा मंदिर। तो देखिए कथा की तैयारी होनी शुरू हो गई है। केले के पत्ते धुल के रख चुके हैं और इधर बर्तन भी ले आए हैं और जो भी सामान होता है ना, तुलसी की पत्ती मम्मी ले आई हैं, बाकी मतलब गौरी गणेश जो चाहिए रहते हैं वो भी आ गए हैं। देखिए बस कथा की तैयारी मम्मी ने स्टार्ट कर दी है और पंडित जी भी आ ही रहे होंगे। लड़की के लिए स्वर्ग बड़े पुत्र को ले आया। उस स्वर्ग के लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय जो सुव्रत को करना भूल गए। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर ओम जय लक्ष्मी राजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। हेलो फ्रेंड्स, आज मतलब कथा हो चुकी है। आज मेरी कथा जो थी बहुत लेट हुई है, 9:30 बजे ख़त्म हो पाई थी आज, क्योंकि पंडित जी को कहीं और जाना था। तो कथा ख़त्म हो चुकी है, मतलब कथा समाप्त हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद खाने के लिए। तो देखिए मैं आज क्या बनाया है खाने में। तो फ्रेंड्स, देखिए कथा हो चुकी है और अब हम लोग खा रहे हैं कथा श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का प्रसाद। तो आज बना है ये कद्दू की सब्जी बनी है, खट्टे मीठे कद्दू की, और ये टमाटर आलू है, ये बूंदी का रायता है, ये पूड़ी है और ये
कचौड़ी है। तो फ्रेंड्स हम आपसे भी मिलते हैं अपना खाना ख़त्म करने के बाद में। ओके हेलो फ्रेंड्स, मैंने मतलब अपना खाना ना खा लिया है और कथा मतलब आज एक्चुअली बताओ कथा ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, उसकी वजह से मतलब खाना भी आज काफ़ी लेट हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरा जो ब्लॉग है इसको आप पूरा का पूरा एंड तक देखिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है। और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा और कौन सा पार्ट लगा। तो फ्रेंड्स और मेरे अगर आप चाहते कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और लेके आऊँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।